सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने अभी शिकायत की है कि बीजेपी के क्या नाम है राहुल कोठारी है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के विरुद्ध ट्वीट किया है और एक फ़ोटो लिखा है, फ़ोटो दिया उसने कि कमलनाथ जी को विसर्जन के लिए ले जाते हुए भेजा है, तो अवमानना का मामला बनता है सर। उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई 499 रिपोर्ट दर्ज की गई मान आने के लिए है सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे हैं। आज भी बीजेपी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राहुल कोठारी जिनका नाम है, इन्होंने एक अपमानजनक पोस्ट अपने ट्विटर पे करी। जैसे ही मुझे वो ट्विटर पे पोस्ट नॉलेज में आई, उसके बाद मैंने इसकी शिकायत आईटी एक्ट के तहत भी करी और पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, जो जनभावना भड़काते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अब करने को कुछ नहीं है मध्य प्रदेश में सिवाय इस तरह के प्रोपोगंडे करना, मुख्यमंत्री को बदनाम करना, उनकी मानहानि की कोशिश करना। ये लगातार कर रहे हैं और इसका कांग्रेस अब मुँह तोड़ जवाब देगी और यही जवाब आज हमने दिया है एफआईआर दर्ज करके। ट्विटर में एक उन्होंने हमारे आंदोलन की पोस्ट को गलत तरीके से पोस्ट करा था और उस पर अपमानजनक टिप्पणी डाली थी, उसको लेके मैंने एफआईआर दर्ज कराई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आईटी सेल से भी करी है और अन्य विभागों से भी करी कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले और इस तरह के ट्विटर पर डालने वाले लोगों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाएं और उनको जेल के अंदर डाला जाए।